गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? और हम आगे अपने नए व्लॉग के साथ। आपको आज जो मेरी फेवरेट तो है, मगर आज हम कहीं और का टेस्ट करने आए, अफ़गानी बोटी। वैसे तो आपको पता है अफ़गानी बोटी सिर्फ सुहरावगढ़ की मशहूर है और मज़ा भी वहीं आता है खाने का, मगर ये हसन जई वालों ने भी अफ़गानी बोटी शुरू की है, मैंने कहा इनका टेस्ट करें। अच्छा, दूसरा है मेरी फेवरेट डिश है चरसी टिक्का, आज हम वो भी टेस्ट करेंगे। तो ऑर्डर हमने दे दिया है और हम इंतज़ार में बैठे हैं, जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है हम टूट पड़ेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, आप भी वेट करें, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, अफगानी बोटी आ गई है, अभी हमने टेस्ट के लिए मंगाई है क्योंकि इनका जायका मुझे पता नहीं कैसा है, मज़ा नहीं आया तो फिर इसलिए मैंने सिर्फ अभी टेस्ट के लिए मंगाई है। अब देखते हैं, इनका टेस्ट करते हैं। और ये इन्होंने मसाला भी दिया है, टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो गाइस, टेस्ट मैंने की है, टेस्ट तो बहुत अच्छा है और गली हुई भी है, ये भी नहीं कि कच्ची है जिस तरह उनकी होते गली हुई, क्योंकि इसका मेन जो है तो गलाना ही सबसे बड़ी महारत। गली हुई भी है, टेस्ट भी सही है, मगर एक इन्होंने जो है ना वो कंजूसी करी, इन्होंने बोटी छोटी रखी है, वहाँ की बोटी बड़ी होती है, इन्होंने बोटी छोटी रखी है, शायद इसीलिए छोटी रखी है ताकि गल जाए सही, मगर उनकी बोटी बड़ी होती है और साइज़ में और गलती भी सही है। जो हम टेस्ट करते हैं आपको बताते हैं। ज़बरदस्त गाइस, बलूची टिक्का। ये जो बलूची टिक्का है ये काली मिर्च में बनाया जाता है, इसके अंदर लाल मिर्च का काम नहीं होता। तो अब हम इसको भी टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसा है, ठीक है? तो गाइस, हम बलूची टिक्का टेस्ट करने लगे। गाइस, बलूची टिक्का भी सही है, बेहतर है, मगर अफगानी बोटी में जो मैंने आपको बताया जो इशू है वो यही है कि ये ड्राई थी। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट व्लॉग आपको सुहरावगढ़ का दिखाएं, उनकी जो बोटी है ना वो जूसी होती है, इनकी ड्राई हो गई और बाकी टेस्ट सही था, गोश्त को गला हुआ था। बलूची टिक्का भी सही है गाइस, खाने में मज़ा आया। अफगानी बोटी जैसे हमने सोची थी वैसे नहीं थी, मगर फिर भी मुनासिब थी। और लोची टिक्का भी सही था। मगर जो असल बलोची टिक्का है ये वो नहीं है। तो हम फुल हो गए,
जितना वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपने नए व्लॉग के साथ। अपने दोस्तों यारों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।